पिछले वीडियो में हमने आपको कथित तौर पर भारत के उस इकलौते गांव के बारे में बताया जहां पर रावण की पूजा होती है, जहां पर दशहरा नहीं मनाया जाता। दशहरे के दिन रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि यहां तो रावण की पूजा होती है। ये गांव है बिसरख। बिसरख को रावण की जन्मस्थली माना जाता है। माना जाता है कि रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहीं रावण को दर्शन दिए थे। इस गांव में भगवान शिव का मंदिर है और उसी मंदिर में रावण की एक गुप्त गुफा है। पर आखिर क्या है इस गुप्त गुफा का रहस्य? आइए आपको इस गुप्त गुफा के अंदर लेकर चलते हैं। मान्यता है कि यहां रावण शिव पूजा और तपस्या किया करता था। अब इस गुफा को अंदर से बंद कर दिया गया है, लेकिन प्राचीन समय में यह रहस्यमय गुफा आज के गाजियाबाद में हिंडन नदी के मुहाने पर स्थित दुधेश्वरनाथ शिवलिंग तक जाती थी। इस शिवलिंग को भी रावण ने ही भक्ति भाव के साथ स्थापित किया था और वो इस गुफा से होता हुआ इस शिवलिंग की पूजा करने और दूध चढ़ाने जाया करता था। हमारे यहाँ पे शिव मंदिर से ऐसे घूमते हुए यह एक बेसमेंट है। इसके अंदर जहाँ गुफा में मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि ये दुधेश्वर से शिव मंदिर से दुधेश्वर के लिए ये गुफा है। मैं ये गुफा तुम्हें दिखाता हूँ कि कहाँ शिव मंदिर में ये अपना बेसमेंट में आसन ग्रहण करते थे। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गुफा है। ये गुफा है जी। इस पैड़ी से निकलते निकलते यहाँ शिव मंदिर से लेकर दुधेश्वर के लिए अपना स्थान ग्रहण यहाँ अपने भजन भाव के लिए बैठा करते थे। ये शिवलिंग से लेकर बेसमेंट तक ये दुधेश्वर से ही आया जाया करते थे। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ विराजमान हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की यहां स्थापित मूर्तियां अपने आप में खास हैं, क्योंकि इस तरह की मूर्तियां भारत में दो ही जगह पर मिलती हैं। एक बटेश्वर, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांव है, और दूसरा दुधेश्वरनाथ। तो ये थी रावण की गुप्त गुफा की कहानी। लेकिन रावण के इस गांव यानी कि बिसरख की पूरी कहानी जानने के लिए हमारे पहले वाले वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। मैं अभिषेक फिर से आपसे मिलूंगा एक ऐसी ही रोचक कहानी के साथ, एक ऐसे ही रहस्य के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना।